विकासखंड सितारगंज में मिशन खुशियों के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, कृषि विभाग, समाज कल्याण आदि विभागों के शिविर स्टॉल लगाए गए। शिविर में पहुंची जनता की समस्याओं का समाधान भी किया गया और मिशन खुशियों के बारे में बताया गया। के अंतर्गत जो भी गैप पाए गए थे, जो भी कमियां पाई गई थी, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड कैंप लगाया गया, जिसमें विभिन्न विभाग भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में विभागों का निरीक्षण किया गया, उनसे इस बारे में वार्ता की गई कि उन्होंने कितने परिवारों तक अपनी जानकारी पहुँचाई है, कितने गैप को आइडेंटिफाई किया है और क्या क्या योजनाओं के बारे में खामियाँ निकली हैं, शिकायतें आई हैं सर। हाँ, खामियाँ तो ऐसी कुछ नहीं, पर कुछ इश्यूज़ मिले हैं। कुछ विभागों के पास बेनिफिशरीज़ की जानकारी नहीं थी, कुछ विभागों की रीच भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो संबंध में उन सबको अवगत कराया गया कि वो अपने कार्य में इसी के अनुसार सुधार करें। सर, जल संस्थान की बात की जाए तो शहर में की गई, अधिकारियों से बात की गई है, उनको जगह अलग अलग गाँवों से सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, ताकि वो गुणवत्ता के बारे में, सैंपल्स की क्वालिटी के अनुसार गुणवत्ता चेक कर सकें और करेक्टिव एक्शंस ले सकें। सर, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो यहाँ पे एक बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इस बारे में जो भी होगा मैं पता कर लगाता हूँ और जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे उसके बारे में। थैंक यू।